जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय हापुड़ पर कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मासिक बैठक का संचालन इकबाल कुरैशी नगर अध्यक्ष ने किया। बैठक में मुख्य रूप से निम्न एजेंडे पर चर्चा हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर दिनांक 7 दिसंबर को प्रदेश में निकाली जाने वाली किसान यात्रा में किसानों के खान पान की व्यवस्था कराए जाने के संबंध में चर्चा की गई व शिक्षक और स्नातक के चुनाव के संबंध में समीक्षा की गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश है, किसी भी स्थिति में कहीं भी कोई भी किसान को ना भूखा रहने देंगे, लत्ता कपड़ा पानी और हर संभव मदद, और पार्टी किसान के साथ खड़ी है और किसानों की पार्टी समाजवादी पार्टी है बीजेपी, केवल और केवल धोखा देकर और इन अन्नदाताओं के साथ झूठ बोलकर सत्ता में हासिल कर ली, उसके बाद जो आज कर रही है किसानों के खिलाफ तो कानून लेकर आई, और बीजेपी उन उद्योगपतियों को जो फायदा पहुंचाना चाह रही है ये नहीं होने देंगे, समाजवादी पार्टी ये नहीं होने देगी, किसानों के हर मोड़ पर उनके साथ है और बीजेपी के इस कानून के खिलाफ और इस घोर जो अब ये कर रहे हैं कि जो किसान इस सर्दी में एक अपनी मांग जायज मांग को मांग रहे हैं, उन पर बीजेपी की ये सरकार बौछार करवा रही है, आंसू गोले दगवा रही है, लाठी चलवा रही है, ये समाजवादी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है और ऐसी इस सरकार से मानवता के आधार पर इन्होंने इनको अब इस्तीफा खुद दे देना चाहिए। इसमें हमने अपनी पार्टी की उपलब्धि के लिए रणनीति बनाई है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो है कि किसानों की मदद करो, हर संभव पार्टी किसानों की मदद करेगी, उनके लिए खाना पानी जो भी व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं वो परसों को उन्हें पहुंचाएंगे किसानों को, और किसान भाइयों के साथ हम खड़े हैं, समाजवादी पूरी पार्टी खड़ी है किसान भाइयों के साथ। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।